लेट्स स्टार्ट विद द लिमिटेशन एक्ट। ठीक है, लिमिटेशन एक्ट में जितने लोगों ने तुम लोगों ने पढ़ा है, अब आज तो तुम लोग रजिस्टर लेकर नहीं आए हो, रजिस्टर के साथ साथ मैंने तुम लोगों को जो बुलेट नोट्स के साथ अलग से भी कुछ नोट्स मिले थे, एडिशनल नोट्स मेंस वाले, इसमें पंजाब लिख दिया था गलत से, मैंने कहा था वो पंजाब काट लेना। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट नोट्स है तुम्हारे लिए, याद रखना। बुलेट नोट्स से भी इंपॉर्टेंट वो वाले नोट्स है, पंजाब वाले। ठीक है, उसमें एक्चुअली एक स्टूडेंट है जसलीन, तुम लोगों के बैच की थी जसलीन, ऑनलाइन में थी, उसका पंजाब मेंस था। उसने कहा था सर मुझे लिमिटेशन के नोट्स थोड़ा जल्दी दे दीजिए, तो मैंने उसके लिए टाइप किया था, बट पता नहीं क्यों यहाँ पर सबको लगा वो पंजाब के लिए ही है। ऐसा नहीं है, सबके लिए है, मैं सबके लिए टाइप कर रहा था, ऑनलाइन में भिजवा दूँ। अच्छा ठीक है, गुरमुख मैं बोल दूंगा तुम्हारा। गुरमुख तुम्हारा अभी लिमिटेशन नहीं हुआ है, तुम लोगों का तो सिर्फ सीपीसीटी पे तुम्हारे साथ कही तो है तुम लोग के बैच का। ठीक है गुरमुख मैं बोल दूंगा, तुम लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने पहले बोल दिया था कि तुम लोग को मिल, तुम लोग को शायद मिला हो, नहीं मिला तुम लोगों को, तुम्हारे पास कैसे आ गया? अच्छा वैसे मैंने बोल दिया है अगर नहीं भी मिला होगा तो यहाँ मिल जाएगा इसमें, अब यहाँ से कैसे बता दूँ। चलो चलो, लिमिटेशन एक्ट ऑफ 1963। मुझे ये याद है कि महक तुम्हारा लिमिटेशन हुआ था पहले और सीपीसी बाद में हुआ है, इसीलिए लिमिटेशन में कई सारी चीज़ें तुम्हें नहीं समझ में आएंगी प्रॉपरली, लेकिन अब पढ़ोगे ना लिमिटेशन अब क्लियरली समझ में आएगा। रिकॉर्डिंग देखो या नोट्स पढ़ोगे अब समझ में आएगा। चलो, सो लिमिटेशन एक्ट इज बेस्ड अपॉन मैक्सिम वन, मैक्सिम टू एंड डॉक्ट्रिन ऑफ पैचेस। ठीक है, मैक्सिम वन इसका नाम क्या है, इट इज इंटरेस्ट रिपब्लिक ए अर्ट सेट पेनिस लिटियम। इसका मतलब क्या होता है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक और द स्टेट दैट देयर इज, प्रमुख उसकी पिक डालो तब तो मैं बताऊं कि वही है या नहीं है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक दैट देयर इज एन एंड टू लिटिगेशन। ठीक है, फर्स्ट मैक्सिम टू इज कहां पर, सिट ड्यूटी आठ, विजिलेंटिबस नॉन डॉर्मेंटिबस जूरा सबवीनियंट। अरे है तो नॉन, कहां पर, डॉर्मेंट के बाद है, पहले नहीं है डॉर्मेंटिबस के, यही है ना, नहीं तीन चार जगह से ही आने लगा, इसलिए एक मिनट गड़बड़ तो नहीं। राइट, क्या मतलब है इसका, ओके ठीक है, ये शाउटिंग मैच नहीं हो रहा यहाँ पे। ठीक है, कि कौन सबसे, अभी लिटरली वही बोल रहा हूँ, शाउटिंग मैच नहीं है और चिल्ला रहा है ये। ठीक है, लॉ ओनली असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स एंड नॉट टू दोज हु स्लीप ओवर इट। ठीक है, एंड देन लास्टली देयर इज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस, ऑल्सो नोन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिले। ठीक है, इसका मैक्सिम का, लॉ असिस्ट दोज हु आर विजिलेंट अबाउट देयर राइट्स एंड नॉट टू दोज हु स्लीप ओवर इट। हाँ गुरमुख यही वाला है, गुरमुख के पास है ऑनलाइन में तो जो डीजीएस के नोट्स गए हैं वो यही वाले हैं। ठीक है, यही है गुरमुख, मैंने बोल तो दिया था, आई डोंट नो कि अभी तक पहुंचा या नहीं, शेड्यूल ही आज बना तो पहुंचेगा कहाँ। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस और द डॉक्ट्रिन ऑफ डिले। ठीक है, मैक्सिम वन मीन्स, इट मीन्स इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रिपब्लिक दैट देयर इज एन एंड टू लिटिगेशन। एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैचेस या डॉक्ट्रिन ऑफ डिले, अगर डिले होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है, एविडेंसेस मे बी लॉस्ट, और अगर जहां पर एविडेंसेस लॉस्ट होते हैं वहां पर देयर इज अ गुड चांस ऑफ बीइंग इट फैब्रिकेटेड, तो एविडेंसेस मे बी फैब्रिकेटेड, एविडेंसेस मे बी लॉस्ट और फैब्रिकेटेड।
ठीक है, अब आज तो आई डोंट थिंक तुम लोग के पास बेयर एक्ट होगी, नहीं फिर भी चलो दो डेट्स हम लोग को याद रखनी होती है, कौन सी? डेट ऑफ इनएक्टमेंट एंड डेट ऑफ इन्फोर्समेंट। डेट ऑफ इनएक्टमेंट है 15 अक्टूबर 1963। चलो देखो बेयर एक्ट में मार्क कर लो अगर है तो। डेट ऑफ इनएक्टमेंट इज 15 अक्टूबर 1963। डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, अच्छा फिफ्थ है, फिफ्थ, ओके हाँ सॉरी, हाँ 5 अक्टूबर, मैंने 15 लिख दिया था। क्या है लाइफ लेसन इससे? लाइफ लेसन क्या मिलता है इससे? 15 का 1000 सही चीजें लिखोगे कोई नहीं बोलेगा, एक गलत लिख दोगे सब पॉइंट करेंगे, ठीक है? ये लाइफ लेसन होता है कि तुमने 1000 सही काम किए हो कोई नहीं बोलेगा कि तुमने सही किया है, अच्छा किया है। एक गलती करोगे सब कहेंगे तुम्हें याद है तुमने क्या किया था, ठीक है? चलो राइट, तो ये दोनों डेट्स याद रखना। डीजेएस में तो अभी नहीं पूछ रहे हैं, बट यू नो एमपी वगैरह भी आ रहा है तो उसके लिए भी ध्यान रखें, एमपी में पूछ सकते हैं। राइट, सो देखो जहां तक डेफिनेशंस की बात है, फ्रॉम अ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2J। 2J क्या बताता है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रेस्क्राइब पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है? सिंपली जो भी शेड्यूल में मेंशनड है दैट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। और प्रेस्क्राइब पीरियड क्या होता है? जो भी आपको लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग एग्जेम्पशंस या एक्सक्लूजन्स या एक्सेप्शंस मिले हैं उनके कैलकुलेट करने के बाद जो टाइम पीरियड आपको मिलता है दैट इज द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या है? सिंपली जो शेड्यूल में मेंशनड है वो। प्रेस्क्राइब पीरियड है आफ्टर कैलकुलेशन जो आपको टाइम पीरियड मिलता है दैट इज द प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है? अब इसमें देर इज मतलब देर आर टू अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। फर्स्ट इज टॉर्ट की डेफिनेशन, किसी स्टैट्यूट में नहीं है लेकिन लिमिटेशन एक्ट में है, सेक्शन 2M। सेक्शन 2M, अच्छा दीपक तुम्हारा तो अभी हुआ है ये, है ना? कल ही तो हुआ होगा, राइट? सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट डिफाइंस टॉर्ट, ठीक है? देन वन इज सेक्शन 2L, ये तो टॉर्ट डिफाइन करता है, और ये क्या डिफाइन करता है? सूट। सूट की डेफिनेशन यहां दी नहीं हुई है, एक्चुअली क्या लिखा है? सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन। सीपीसी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अपील इज अ कंटिन्यूशन ऑफ अ सूट, और जो भी प्रिंसिपल्स सूट पे लगते हैं वो सारे के सारे अपील पर भी लग जाते हैं। तुम लोग का तो अभी नहीं आया, तुम लोग का हो चुका, याद है? अपील पे वो सारे प्रिंसिपल्स लगते हैं जो सूट वाले लग जाते हैं, ठीक है? बट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ लिमिटेशन, ठीक है? लिमिटेशन की क्लास जो है, अभी कौन सा बैच है तुम लोग का दीपक? 20 नवंबर मॉर्निंग बैच 5 में अभी 2 लेक्चर हुए ना तुम लोग के, आज तीसरा था, ओके आज तीसरा लेक्चर हुआ है राधे, तो इफ यू वांट यू कैन टेक। ओके ओके जसलीन, आई विल एक्चुअली आज, खैर छोड़ो। तो सूट डज नॉट इंक्लूड एन अपील और एन एप्लीकेशन, ये याद रखना जसलीन। वी विल शेड्यूल अ कॉल, ठीक है? चलो, एंड इसके बाद इसमें और जो डेफिनेशंस हैं नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट याद रखना एक डेफिनेशन जो अक्सर ये लोग पूछते हैं दैट इज एन एप्लीकेशन। देखो जाओ तो जरा सेक्शन 2B पे जाओ, एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटिशन, ठीक है? एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटिशन, ठीक है? याद रखना एप्लीकेशन वगैरह डिफाइंड नहीं है, बस बोला गया एप्लीकेशन इंक्लूड्स अ पिटिशन। एप्लीकेशन कैन बी डिफाइंड एज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू डू समथिंग, तुम लोग को मैंने लिखवाया भी था, तुम लोग रजिस्टर देखना, अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू डू समथिंग। तुम रजिस्टर लाए हो क्या? अच्छा तुम्हारा तो उसमें लिखा होगा, खैर ठीक है। सो डेफिनेशन में यही 3-4 डेफिनेशन है, इन पे ध्यान रखना। चलो लेट्स स्टार्ट विथ सेक्शन 3।
सेक्शन थ्री, सेक्शन थ्री इज बेस्ड अपॉन, वो है बेस्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फॉर आई, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेक्स फॉर आई। दैट मीन्स इट इज नोन एज लॉ ऑफ द फोरम। फोरम यहां पर किससे मतलब है, यहां पर फोरम का मतलब है कोर्ट। दैट मीन इट इज द लॉ ऑफ द कोर्ट। पार्टीज भले ही प्लीड ना करें, कोर्ट इज स्टिल बाउंड बाय द लिमिटेशन एक्ट। इवन इफ द पार्टीज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा, उस वो एग्रीमेंट जो है नल एंड वॉइड है, किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर पार्टीज कहती है कि सपोज डिफेंडेंट सेज कि आप लिमिटेशन से बाहर मत करिए, कोर्ट उस बात को नहीं सुनेगी, क्योंकि ये क्या है, लॉ ऑफ द कोर्ट है। सेक्शन थ्री का सबसेक्शन वन की लास्ट लाइन क्या कहती है, कहती है इवन दो, देखो जरा फोन पे ओपन कर लो, हाँ, इवन दो लिमिटेशन हैज नॉट बीन सेट अप एज अ डिफेंस, ये वर्ड्स क्या इंडिकेट करते हैं, इट इज लेक्स फॉर आई, लॉ ऑफ द फोरम है ये। चलो गुरुमुख, यू कैन एक्सपेक्ट फाइव क्वेश्चंस फ्रॉम लिमिटेशन। सेक्शन 3(1) में, सेक्शन 3(1) इज सब्जेक्ट टू सेक्शंस 4 to 24, ठीक है। सो 3 का बार तभी लगेगा जब 4 to 24 के अकॉर्डिंग प्रेस्क्राइब पीरियड हैज बीन ओवर, ठीक है, ओनली देन द बार ऑफ लिमिटेशन विल अप्लाई। मतलब याद रखना, टर्म यूज्ड इज प्रेस्क्राइब पीरियड, यानी कि कैलकुलेशन कॉम्पिटिशन जो एग्जेम्पशंस मिली है सारी मिल चुकी है, उसके बाद भी अगर तो उस टाइम पीरियड में भी अगर आपने नहीं फाइल किया और उसके बाद फाइल कर रहे हो, देन द सूट अपील और एप्लीकेशन इज बार्ड। सेक्शन 3(1) और सूट के लिए क्या वर्ड यूज है, सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रेफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड। चलो ठीक है, सेक्शन 3(2), सेक्शन 3(2) इज अ उसके अंदर 3(2)(a)(1), 3(2)(a)(2), 3(2)(a)(3), आपको अलग अलग करना पड़ता है। तो 3(2) का a1, इन एन ऑर्डिनरी केस सूट का फाइल होता है व्हेन इट इज प्रेजेंटेड, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर, ठीक है। 3(2)(a)(1) कहता है जिस दिन आपने प्लेंट फाइल की है टू द प्रॉपर ऑफिसर, ऑन दैट डे विल बी डीम्ड एज दैट द सूट हैज बीन इंस्टीट्यूटेड। याद रखना इसमें एक चीज कि अगर मान लो कि प्लेंट में कोई डेफिशिएंसी थी, अंडर वैल्यूड था या फिर डेफिसिट कोर्ट फी थी और करेक्शन बाद में होता है, तो भी हम लोग यही मानते हैं कि जिस दिन प्लेंट प्रेजेंट की गई थी प्रॉपर ऑफिसर को, उसी दिन सूट इंस्टीट्यूटेड था, फर्स्ट थिंग। ऑर्डिनरी केस में ये होता है, बट अगर हम लोग बात करें उसमें 3(2)(a)(1) तो ये है, 3(2)(a)(2) क्या है, प्रॉपर सूट, ठीक है। प्रॉपर सूट के केस में जिस भी दिन एप्लीकेशन फाइल की गई है उस दिन हम लोग मान लेते हैं कि सूट फाइल था, ठीक है। बट उसके साथ हम लोग क्या पढ़ते हैं, सेक्शन 13 पढ़ते हैं, 3(2). वैसे तो मैं बेरक में मैं बोलता हूँ कि लिख लो वहीं पे, रेडवे सेक्शन 13 होगा। तो 3(2)(a)(2) उसमें हम लोग बोलते हैं 3(2)(a)(2), यहाँ पर प्रॉपर सूट में, प्रॉपर सूट को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, suits by indigent persons, ठीक है। This is one of those provisions जहां पर कि you don't need to file a plain to file a suit, यहां पर आप application file करके ही suit file कर सकते हो, ठीक है। So अगर application for leave of the court is filed for allowing the court to, for the court to allow the person to sue as an indigent person, that application if allowed, then the suit is instituted on the day the application was filed. But if it is rejected, rejected wala party, hum log iske liye kahan jaate hain, section 13 jaate hain, okay,
अगर रिजेक्टेड हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपका सूट रिजेक्ट हो जा रहा है, अगर रिजेक्टेड है तो वहां पर क्या होता है, कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है कि आप कोर्ट फी पे कर दो एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द सूट। रिजेक्टेड भी हो तो पे द कोर्ट फी एंड कंटिन्यू विद द सूट। दिस इज 3282। याद रखना सेक्शन 13 तभी होगा जब एप्लीकेशन हैज बीन मेड एंड रिजेक्टेड। बेरक तो है नहीं तुम लोग की, बट ना बेरक मैंने अनलाइन करवाया था तुम लोग। चलो देन वी हैव 3283। 3283 इज नॉट वेरी रेलेवेंट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि वो कंपनी या कॉरपोरेशन के बारे में आता था, और वो भी कंपनी या कॉरपोरेशन जो है जब वो लिक्विडेशन में जा रही हो तब। ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, सपोज आपके पास कॉज ऑफ एक्शन आपको मिल गया है एंड इससे पहले कि यू कुड हैव फाइल्ड अ सूट, यहाँ पर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट्स। जब भी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो पहले क्या होता है, एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, ऑफिशियल लिक्विडेटर। और अब जिसके पास भी कॉज ऑफ एक्शन था, यू कैन नॉट फाइल अ सूट, अब आपको अपना क्लेम सेंड करना पड़ेगा ऑन द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, आप सारा क्लेम इसे सेंड करते हो और ये देखता है कि आपका क्लेम कितना बनता है कितना नहीं बनता है। ठीक है, अब अगर ये पर्सन आगे जा करके सपोज द क्लेम इज रिजेक्टेड, अब नाउ यू कैन फाइल अ सूट। अगर आपका ऑफिशियल लिक्विडेटर ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया है, देन द कॉज ऑफ एक्शन जो भी था, सपोज मान लो ये ए पर्सन था, पर्सन ए था, इसके पास कॉज ऑफ एक्शन था, देन यहां जाकर के ए कैन नाउ इंस्टीट्यूट अ सूट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि हो सकता है कि यहीं पर उसका प्रिस्क्राइब पीरियड ओवर हो गया हो। ठीक है, सकता हो जब ऑफिशियल लिक्विडेटर को भेजा, उसने क्लेम रिजेक्ट किया, उसके पहले ही उसका प्रिस्क्राइब पीरियड क्लियर वो हो गया, वो फिनिश हो गया, एक्सपायर हो गया है। वहां पर ए का जो सूट है अगर देखा जाए तो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाहर है, हैंस इट मस्ट बी बार्ड। लेकिन 3282 सॉरी 3283 कहता है ये सूट फाइल भले ही यहां हुआ हो लेकिन माना जाएगा फाइल्ड उस दिन जिस भी दिन ए ने अपना क्लेम सेंड किया था ऑफिशियल लिक्विड। तो 3283 पढ़ो एक बार डायरेक्ट में, 3283 यही है, सूट भले ही आपने बाद में फाइल किया हो, मान लें कि जिस दिन आपने क्लेम सेंड किया था लिक्विडर को उसी दिन हम लोग मान लें कि सूट इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ऑब्वियसली रीजन क्या है कि अगर लिक्विडेशन में जा रहा है, ए कुड नॉट फाइल अ सूट, राइट, ए क्या कर सकता था, ऑफिशियल लिक्विडर को ही सेंड कर सकता था, तो उसने वो काम किया था। अगर वो ये काम नहीं करता तो सूट ही फाइल करता, तो हम लोग इसी चीज को मान लेते हैं कि उसी दिन सूट ही फाइल था उसका। चलो देन क्लॉज बी, क्लॉज बी को मार्क करो, क्लॉज बी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। क्लॉज बी सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम, सेट ऑफ को हम लोग मानते हैं जिस भी दिन ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उस दिन सेट ऑफ क्लेम किया गया था। ठीक है, और काउंटर क्लेम में जिस दिन काउंटर क्लेम क्लेम किया है आपने उस दिन। ठीक है, सो जैसे आज ही तो तुम लोग को पढ़ाया है ना, नहीं कल कब पढ़ाया दीपक, कल आज हुआ है सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। देखो जैसे हम लोग प्लेंट फाइल करते हैं, उसके बाद हमारा समन्स जाता है एंड देन हमारा डब्ल्यू एस जाता है, डब्ल्यू एस में ही क्लेम करते हो सेट ऑफ। आज जैसे एक स्टूडेंट ने बोल दिया था कि सर अगर प्लेंट में सेट ऑफ क्लेम्ड है तो, है ना दीपक, अब बोल रहा सर सेट ऑफ अगर प्लेंट में क्लेम कर दे वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है कि प्लेंट में सेट ऑफ हो, राइट। सो क्वेश्चन ये होता है कि सेट ऑफ आपने क्लेम तो आप करोगे डब्ल्यू एस में ही, राइट, उससे पहले तो आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी क्लेम करने की। तो किस दिन मानेंगे कि सेट ऑफ वॉज क्लेम्ड, सेट ऑफ कुड हैव बीन एन इंडिपेंडेंट सूट, याद है ऑर्डर 8 रूल 6 में हम लोग, तुम लोग का भी तो हो चुका है, बट हाँ याद रखना कि डब्ल्यू एस सॉरी इसके सेट ऑफ क्लेम में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक लगती है, तो जिस दिन ओरिजिनल सूट इंस्टीट्यूट हुआ था उस दिन सेट ऑफ भी क्लेम्ड होता है, ये मान लिया जाता है। ये है 3B का 1। देखो इन द केस ऑफ द सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड। ठीक है, तो जिस दिन सूट इंस्टीट्यूट हुआ था ओरिजिनल वाला, सेट ऑफ भी उसी में आएगा। दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक।
इन केस ऑफ सेट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक वर्क्स, बट अगर यही सेट ऑफ की जगह पर हम लोग काउंटर क्लेम रखते हैं तो काउंटर क्लेम में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक काम नहीं करती है। कब करेगी? जिस दिन आपने काउंटर क्लेम किया गया है, वो है 3B2। देखो 3B2, इन द केस ऑफ अ काउंटर क्लेम क्या लिखा है? द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड। ठीक है, तो सेट ऑफ में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक लगता है, काउंटर क्लेम में डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक नहीं लगेगा। देन वी हैव क्लॉज सी। क्लॉज सी क्या होता है? नोटिस ऑफ मोशन। कौन बताएगा नोटिस ऑफ मोशन क्या होता है? दीपक तुम नहीं, तुम्हारा तो आज ही हुआ है, तुम्हारे मन में एकदम ही फ्रेश होगा। तुम नहीं, तुम लोग भी नहीं, तुम लोग का आज ही हुआ है। हाँ, 14 दिन का नोटिस देना होता है क्या करने के लिए? अच्छा, मतलब मुझे ये तो पता है कि तुम्हें समझ आ गया है। देखो, जब भी हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करने से पहले आपको एक 14 डेज का नोटिस देना होता है ऑपोजिट पार्टी को। दैट नोटिस इज नोन एज अ नोटिस ऑफ मोशन। आप जिस दिन एप्लीकेशन फाइल, एग्जैक्टली, मन्नत का कहना है इन्फॉर्मिंग द रजिस्ट्रार एंड द ऑपोजिट पार्टी व्हेन द एप्लीकेशन इज लाइकली टू बी लिस्टेड। तो आप जब एप्लीकेशन फाइल करने जाओगे उसी टाइम पर आपको बताना पड़ेगा कि मैं एक नोटिस ऑफ मोशन सेंड कर रहा हूँ ऑपोजिट पार्टी को। ठीक है, और उसके बाद जनरल रूल ये है कि 14 डेज वेट करके 15th डे पर आप एप्लीकेशन फाइल करते हो। ठीक है, सो क्वेश्चन ये है कि नोटिस ऑफ मोशन देना एक लीगल रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो 14 डेज तो आपको वेट करना ही पड़ेगा बिफोर यू कैन फाइल द एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन अगर देखा जाए तो 14 डेज से पहले वो फाइल नहीं कर सकता, अगर वो चाहे भी तो। तो एप्लीकेशन भले ही आपने बाद में फाइल की है, लेकिन माना जाएगा एप्लीकेशन आपने उसी दिन फाइल कर दी जिस दिन आपने नोटिस ऑफ मोशन सेंड किया था, एंड दैट इज क्लॉज सी। देखो क्लॉज सी पढ़ो। यस अक्षता, अक्षता तुमने पढ़ा है क्या मेरे से लिमिटेशन? और लैंग्वेज देख करके लग रहा है मन्नत ने आई डोंट थिंक पढ़ा है, उसकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है मेरे से। क्या है? एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन इन अ हाई कोर्ट इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो भले ही 14 डेज वेट करना हो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, लेकिन मान लेंगे कि हम लोग ने उसी दिन फाइल कर दिया था जिस दिन नोटिस ऑफ मोशन का एप्लीकेशन फाइल किया था। हाँ, एग्जैक्टली। ओके, दीपक, निशा एंड तुम्हारा जो भी नाम है, आई डोंट नो क्या है, आंचल। ओके, आज मैंने तुम लोग को बताया था कि आप दोनों एक्चुअली फाइल कर देते हो साथ में, लेकिन वो एप्लीकेशन को होल्ड करके रखता है कि 14 डेज का टाइम हो जाएगा तब एंट्री होगी उसकी। एग्जैक्टली वही चीज मन्नत ने भी लिखी है। मन्नत सेज, सर दिस डजंट हैपन इन प्रैक्टिस, बट एप्लीकेशन एंड नोटिस ऑफ मोशन गोज टुगेदर एट द टाइम ऑफ फाइलिंग इन हाई कोर्ट एंड लिस्टिंग हैपेंस विद इन अ डे। ठीक है, वही चीज मैंने कहा था कि फाइल आप तुरंत कर दोगे, लेकिन वो एंट्री तुरंत नहीं करते, वो लिस्टिंग बाद में करते। वो मन्नत, वो है क्या नाम है, क्रैश है, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अगर रेगुलर क्लासेस करोगे तो ये सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। चलो नेक्स्ट, सेक्शन 4। हाँ मन्नत, मुझे समझ में आ गया था तुम्हारी जो लैंग्वेज जो तुमने यूज़ किया ना, से मुझे समझ में आ गया था कि तुमने मुझसे नहीं पढ़ा, बट हाँ यू नो द प्रिंसिपल्स, तुम्हें प्रिंसिपल्स पता है। सेक्शन 4 किस पे अप्लाई होता है? सूट्स, अपील्स, एप्लीकेशंस, तीनों पे अप्लाई होता है। ठीक है, और सेक्शन 4 में क्या टर्म यूज है? पीरियड ऑफ लिमिटेशन या प्रेस्क्राइब पीरियड? प्रेस्क्राइब पीरियड यूज है, इसका मतलब कि एग्जेम्पशन वगैरह सब कुछ मिल चुकी है। ठीक है, अब देखो सेक्शन 4 जो है इट वर्क्स अपॉन टू मैक्सिम्स। फर्स्ट मैक्सिम कौन सी है? टैक्स कॉजिट नॉन एड इम्पॉसिबिलिया। क्या मतलब होगा इसका? The law does not compel any person to do an impossible act. ठीक है, तो सेक्शन 4 कहता है कि अगर प्रेस्क्राइब पीरियड के लास्ट डे पर कोई पर्सन कोई सूट अपील या एप्लीकेशन फाइल करने जा रहा है एंड ऑन दैट डे द कोर्ट इज क्लोज्ड, ठीक है, तो ही विल फाइल दी सूट अपील और एप्लीकेशन ऑन द डे द कोर्ट रीओपन्स। ठीक है, सो अगर मान लेते हैं कि सपोज ये रहा मेरा कॉज ऑफ एक्शन एंड
मान लो कि ये था पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड ये है हमारा प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है। अब याद रखना कि ही हैज द डिस्क्रिशन टू फाइल ऑन द फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे और द लास्ट डे, लेकिन लास्ट डे फॉर सम रीजन द कोर्ट इज क्लोज्ड, तो ही विल फाइल द पिटिशन या सूट अपील और एप्लीकेशन ऑन द वे ऑन द डे द कोर्ट रीओपन्स। सो द लॉ डज नॉट एक्सपेक्ट हिम टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। अगर कोर्ट ही बंद था उस दिन लॉ इज नॉट गोइंग टू से कि तुमने लास्ट डे क्यों नहीं फाइल किया। कोर्ट ही बंद था तो हम लोग क्या करें। तो कॉलेज में क्या होता था, क्या होता था कि लास्ट डे पर ही असाइनमेंट सबमिट करना है, जैसे लगता था वही अपॉइंटेड डे है, राइट। और अगर उस दिन कॉलेज बंद रहे तो कैसे करें, उस दिन तो कॉलेज बंद था, नेक्स्ट डे जब खुलेगा उस दिन। चलो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन इज बेस्ड अपॉन द मैक्सिम एक्टस टूरिए एमिनेम ट्रावबेट। क्या मतलब होगा इसका, एन एक्ट ऑफ द कोर्ट डज नॉट प्रेजुडिस एनीवन। एक्ट ऑफ कोर्ट डज नॉट प्रेजुडिस एनीवन। अगर कोर्ट पार्ट ऑफ द डे के लिए भी अगर क्लोज थी तो हम लोग मान ले देंगे कि वो कोर्ट पूरे डे के लिए क्लोज थी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, इफ अंडर द नॉर्मल वर्किंग आवर्स पार्ट टाइम के लिए भी क्लोज थी तो हम लोग पूरे दिन के लिए मान लेते हैं। सेक्शन 4 में दोनों मैक्सिम्स याद रखना, यहां से क्वेश्चन आते हैं। डीजीएस में ये याद रखना कि डायरेक्टली प्रोविजन से या मैक्सिम से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो भी तुम्हारी नॉलेज है उसका एप्लीकेशन चाहिए होगा, वहां पर तुम्हें वो फैक्चुअल सिचुएशन कुछ बता देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसमें क्या होगा, ठीक है। वो तुम्हें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या होगा, लेकिन हाँ वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे तुम्हारे क्वेश्चन रहेंगे, तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। वो ये नहीं पूछेंगे कि सेक्शन 5 की मार्जिनल हेडिंग क्या है। चलो नेक्स्ट है सेक्शन 5। सेक्शन 5 का नाम क्या है, नाम तो नहीं है वो, हम लोग कहते हैं राइट, एक्सक्लूजन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टन केसेस। सर्टन केसेस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अपील्स एंड अदर एप्लीकेशंस, इट डज नॉट अप्लाई अपॉन सूट्स, इट डज नॉट अप्लाई अपॉन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। सेक्शन 5 इज फॉर कॉन्डनेशन ऑफ डिले, इट अप्लाइज अपॉन अपील्स एंड अदर एप्लीकेशंस, डज नॉट अप्लाई अपॉन सूट्स एंड एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन। डीजीएस 17th को हो गया ना, जब कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर डिले होगा, हाँ सीबीआई एपीपी है उस दिन, हो जाए। अच्छा नहीं पता है, एग्जाम डिले होने से ना कभी ये मत सोचना कि एग्जाम अच्छा होगा तुम्हारा, हाँ क्या हो जाएगा, महीने भर में तो सिलेबस कंप्लीट कर ही लोगे तुम, साल भर में नहीं कर पाए। देखो मैं अर्जुन से ऐसे ही बात करता हूँ, मेरे अर्जुन में चलता रहता है ये सब। चलो सेक्शन 5। सो अगर प्रेस्क्राइब पीरियड, देखो सेक्शन 5 इज कि प्रेस्क्राइब पीरियड भी ओवर हो गया हो, हम लोगों को पता है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो सेकंड शेड्यूल कहता है वो होता है प्रेस्क्राइब पीरियड, जो एक्सटेंशन एक्सक्लूजन मिलता है उसके बाद जो टाइम पीरियड आता है दैट इज अ प्रेस्क्राइब पीरियड। सेक्शन 5 कहता है कि अगर अपील्स एंड अदर एप्लीकेशंस में प्रेस्क्राइब पीरियड भी ओवर हो चुका हो और उसके बाद भी आप चाहते हो कि कोर्ट आपकी एप्लीकेशन या अपील को एडमिट कर ले, यू विल हैव टू शो सफिशिएंट कॉज, ठीक है। तो याद रखो, देखो एक बात याद रखना कि सपोज ये था कॉज ऑफ एक्शन, जो भी अपील एप्लीकेशन या सूट जिसका भी हो, सपोज ये था पीरियड ऑफ लिमिटेशन, अगर एक्सटेंड करके हम लोगों ने किसी वजह से प्रेस्क्राइब पीरियड ले लिया था, वो चाहे वो सेक्शन 6 हो, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ भी हो, ठीक है, प्रेस्क्राइब पीरियड मिल गया था, अगर हम लोग
किस टाइम पीरियड के बाद यहां फाइल कर रहे हैं, तो पहली बात सेक्शन 3 अप्लाई होता है। सेक्शन 3 कहता है कि बार्ड हो जाएगा अगर आप प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद करते हो। सेक्शन 3 की लैंग्वेज याद है, आफ्टर लगा था प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद अगर आपने सूट अपील या एप्लीकेशन फाइल की, इट विल बी बार्ड। बट सेक्शन 3 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 424, और जिसमें क्या आता है हमारा सेक्शन 5 भी आता है, राइट। तो सेक्शन 5 कहता है कि ये अपील, सूट अपील और सॉरी अपील या एप्लीकेशन जो है वो हम लोग एडमिट कर सकते हैं अभी भी, इफ यू शो सफिशिएंट कॉज। आप सफिशिएंट कॉज शो कर दो एंड द कोर्ट में अलाउ इट। वहां पर भी कोर्ट की भी डिस्क्रिशन ही होती है। आधार है सच सच बता दे, थोड़ा थोड़ा मेरे सामने तो थोड़ा थोड़ा बोलोगी, एकदम ही नहीं तो ना ही करोगी। आने तो दो पहले। रामलाल वसंत रीवा कोल फील्ड्स। अब सीपीसी के बाद को कई बार होगा ना कि तुम लोगों का सही है कि तुम लोगों का लिमिटेशन पहले हो गया, नहीं हिना लोगों का सही है, सीपीसी हुआ है अब लिमिटेशन होगा। कई बार गड़बड़ क्या होती है, लिमिटेशन पहले हो जाता है और सीपीसी बाद में होता है। उन लोगों को सबको मैं कहता हूँ कि देखो अब यहाँ का शेड्यूल मैं तो मैनेज नहीं कर सकता, राइट। अगर वो कहें कि लिमिटेशन पहले है तो लिमिटेशन पहले है, लेकिन जब सीपीसी हो जाए ना तो एक बार लिमिटेशन दोबारा पढ़ना, एंड देन कई सारी चीज़ें स्टार्ट टू मेक सेंस। चलो राइट, सफिशिएंट कॉज के लिए याद रखना देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये सफिशिएंट कॉज है, ये नहीं है, ये नहीं है या ये है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, इफ द सर्कमस्टांसेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ दैट पार्टी देन इट कैन बी सफिशिएंट कॉज, ठीक है। बट स्टिल इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस, ठीक है। तो मे बी एक जगह जो सफिशिएंट कॉज हो वो दूसरी जगह सफिशिएंट कॉज ना हो, इट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। चलो राइट, अब इसके बाद सेक्शन 5 में राइट अच्छा एक चीज याद रखना, आर्टिकल 116, आर्टिकल 116 लिमिटेशन एक्ट में, अच्छा एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं, प्रीलिम्स में तो नहीं, विच एक्ट कंटेन्स आर्टिकल्स, लिमिटेशन एक्ट, ठीक है। और वैसे तो वो भी है, स्टैम्प एक्ट भी है, वहां पर भी होता है, कई जगह होगा, लेकिन हाँ मोस्ट कॉमन इज लिमिटेशन एक्ट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन से पूछते हैं। आर्टिकल 116 इसमें क्या प्रोविजन है, अलग से पॉइंट आउट क्यों किया मैंने, कोई रीजन बताओ अर्जुन, तुम्हारे नोट्स में है कहीं? देखो हाई कोर्ट से अपील कहाँ जाती है, सुप्रीम कोर्ट, राइट। एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट अपील नहीं जाएगी, एक हाई कोर्ट से सेम हाई कोर्ट अपील नहीं जाती है, बट एक्चुअली जाती है। एक हाई कोर्ट से उसी हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। अब आ गया होगा, नहीं लेटर्स पैटेंट अपील, हाँ इंट्रा कोर्ट अपील, राइट, दैट इज नोन एज द लेटर्स पैटेंट अपील, ठीक है। दिस इज फेयरली नोन एज, अगर तुम्हें सिंपली समझना हो 17 है, मैं 16 लिखा है, भूमिका एक बार चेक कर लो। इट इज बेटर अंडरस्टूड एज इंट्रा कोर्ट अपील, 17 है, ओके मैंने 16 लिख दिया गलती से, सर 117 है, तो मुझे 116 याद आ रहा था। चलो इसमें क्या होता है, यस मन्नत बिल्कुल सही, अगर एक सिंगल जज बेंच ने कोई डिसीजन दिया है, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट के सिंगल जज बेंच ने अगर कोई डिसीजन दिया है, यू डोंट नीड टू मेक द अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, आप बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने अपील कर सकते हो, ठीक है। तो बॉम्बे हाई कोर्ट के ही डिवीजन बेंच के सामने अपील हो, ठीक है। नाउ दिस इज समथिंग विच टू द सेम हाई कोर्ट, वही बॉम्बे हाई कोर्ट यहां पर भी, बॉम्बे हाई कोर्ट यहां पर भी है। दिस इज अ लेटर्स पैटेंट अपील, आर्टिकल 117 में है, याद रखना। चलो देन वी हैव सेक्शन 6, सेक्शन 6 को कैसे पढ़ना है, रीडिंग करके, कैसे पढ़ना है रीडिंग करके, सेक्शन 6
6, 7, 8, 9 they are to be studied as a block. Say हमेशा एक साथ पढ़ा करो. 6, 7, 8, 9 all of them are to be studied together. Okay. Now section 6 legal disabilities की बात करता है. Okay. Legal disabilities कौन कौन सी रिकॉग्नाइज्ड है इसमें 66 में. NII MII माइनॉरिटी इडियोसी एंड इंसानिटी. माइनॉरिटी इडियोसी एंड इंसानिटी तीन है. ठीक है. सेक्शन 6 कहता है अच्छा देखो जो हम लोग इसके पहले बता दो सेक्शन 6 से लेकर के 11 एक सेपरेट ग्रुपिंग में आते हैं एंड सेक्शन 12 से लेकर के 24 एक सेपरेट ग्रुपिंग में आए. एंड देन अनदर येट अनदर ग्रुपिंग 25 टू सेक्शन 7 उनकी अपनी एक ग्रुप. यहाँ पर जो भी प्रोविजंस है यहाँ पर हम लोग मानते हैं ऐसा कि लिमिटेशन पीरियड कभी स्टार्ट ही नहीं हुआ. ठीक है. पीरियड ऑफ लिमिटेशन नेवर स्टार्टेड. सेक्शन 12 टू 24 में हम लोग ये मानते हैं कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट हो गया था पर बीच में कोई इंटरवीनिंग इवेंट हुआ जिसकी वजह से पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है बीच में रुक गया था कुछ एंड देन वो पॉज लेकर के दोबारा से स्टार्ट हुआ. सो इट स्टार्टेड बट स्टॉप्ड टेम्पररीली event. So, एक example देखते हैं 611 का legal disability देख लेते हैं और एक इसका देख लेते हैं. चलो, let's start with section 6. अगर मान लेते हैं A had a cause of action, okay? And let's say the period of limitation is iska, this is 1 year, okay? But on the day A had a cause of action, he was 15 years of age. And 15 years is a minority and hence a legal disability, okay? So, this time pe agar wo jis din uske paas cause of action aaya tha, time period abhi hum log count hi nahi karenge. Aise manenge period of limitation start hi nahi hua. कब स्टार्ट होगा व्हेन ए बिकम्स 18 इयर्स ऑफ एज. अब हम लोग मानेंगे कि यहां से टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ है तो अब यहां से उसे 1 ईयर का टाइम मिल जाएगा. okay? अब ये सेक्शन 6 में उसे एग्जेम्पशन मिल जाती है क्योंकि टाइम पीरियड काउंट करेंगे ही नहीं. इसीलिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन भले ही 1 ईयर था लेकिन प्रेस्क्राइब पीरियड कितना है ये पूरा टाइम पीरियड जो है वो प्रेस्क्राइब पीरियड. तो इसीलिए देखो याद रखना कि सेक्शन 6 से लेकर के 11 तक पीरियड ऑफ लिमिटेशन नेवर स्टार्टेड ऐसा मानते हैं हम लोग. तो यहाँ पर जिस दिन कॉज ऑफ एक्शन आया उस दिन से पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट नहीं हुआ था. कॉज ऑफ एक्शन उसके पास था बट ही हैड टू वेट टू बिकम अ मेजर और तब कॉज ऑफ आपका वो कैलकुलेशन जो है स्टार्ट हुआ काउंटिंग स्टार्ट होगी. ठीक है. बट अगर हम लोग बात करें 12 to 24 की इसमें कुछ डिफरेंट होगा ध्यान समझना इसे. मान लो कि क्या होगा मान लो कि द डिक्री वॉज पास्ड. ठीक है. अब जब डिक्री पास हो गई लेट्स से मुझे अपील फाइल करनी है. मान लेते हैं कि मेरे पास 30 डेज का टाइम है. ठीक है. एंड दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होता है जो भी शेड्यूल में कॉलम नंबर 2 में दिया हुआ है दैट इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन. ठीक है. अगर मैंने यहाँ पर 5 डेज वेस्ट कर दिए और यहाँ पर अब फाइल की है मैंने एप्लीकेशन फॉर कॉपी ऑफ डिक्री. ओके. एंड यहाँ पर कॉपी ऑफ डिक्री रिसीव्ड. ठीक है. अगर मान लेते हैं इसमें कितने दिन का मान लेते हैं 15 डेज का टाइम जो है उसका वेस्ट हो गया. अभी उसके पास कितना टाइम बचा है 10 डेज बचा है उसके पास. हाँ ठीक है.
10 days का टाइम अभी उसके पास बचा है, ये 15 days का टाइम किस रीजन से वेस्ट हो रहा है? कोर्ट की वजह से हो रहा है ना, कोर्ट ने टाइम लिया है कॉपी ऑफ डिक्री प्रोवाइड कराने में, ठीक है। तो 5 दिन तो मैंने अपने से वेस्ट किए थे, 15 दिन कोर्ट की वजह से वेस्ट हुए और 10 दिन मेरे पास अभी बचे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 12 कहता है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरा टाइम पीरियड क्या हो सकता है, एक्सक्लूडेड होगा। और लिमिटेशन एक्ट में एक्सक्लूडेड का मतलब क्या हम लोग करते हैं, एडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब एडेड, तो और एडेड भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन में ऐड होता है वो हमेशा, ठीक है। तो ये वाला टाइम पीरियड हम मुझे एक्स्ट्रा मिल जाएगा 15 डेज का, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रेस्क्राइब पीरियड, ठीक है। अब एक बात याद रखना कि ये याद रखना कि मुझे एक्चुअली 30 दिन ही मिलेंगे फाइल करने के लिए। क्यों? कि देखो 5 दिन तो मैंने वेस्ट कर दिए, ठीक है, 15 दिन तो मुझे वैसे भी नहीं मिल रहा था फाइल करने के लिए, बिकॉज ये तो निकल गया है, ये हटा दो। ये 10 दिन मुझे मिल गए, कितने हो गए, 5 और 10 15 हो गए, और ये वाला टाइम जो मुझे एक्सटेंडेड मिल जाता है ये 15 और ऐड हो जाते हैं, तो टोटल अभी कितने हुए हैं, 30 दिन ही हुए हैं। अगर तुम यहाँ से काउंट करोगे वो तो कितने होगा, 45 हो जाएगा। लेकिन कभी ये काउंटिंग मत करना, ये याद रखना कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन में लिखा है कि 30 डेज, तो आपको मिलेंगे तो 30 डेज ही। हाँ, वो कैलकुलेशन हम लोग ऐसी करेंगे कि 30 डेज आए, वरना अगर आप स्ट्रेट लाइन में पूरा कैलकुलेट करोगे तो आपको 45 डेज या 60 डेज वगैरह भी आपको मिल सकते, ठीक है। चलो, तो दिस वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। देखो ये एग्जाम्पल है 12 to 24 का, कि स्टार्टेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन स्टार्ट तो हो गया था बट स्टॉप टेम्परली ड्यू टू एन इंटरवीनिंग इवेंट। तो यहाँ पर बीच में ये वाली काउंटिंग जो है हम लोग स्टॉप कर देते हैं, कि बीच में कुछ ऐसा हो गया जिससे कि काउंटिंग स्टॉप हो गई, और ये जितने दिन तक काउंटिंग स्टॉप हुई थी यही बाद में जाकर के ऐड हो जाता। जहाँ पर भी वर्ड एक्सक्लूडेड यूज है उसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं एडेड की तरह। तो 6 to 11 में इज पीरियड ऑफ लिमिटेशन नेवर स्टार्टेड, ठीक है। जैसे हम लोगों ने ये वाले का देखा था, माइनर वाले का स्टार्ट ही नहीं हुआ था, जब वो मेजर हो जाएगा तब वो पीरियड स्टार्ट होगा। और 12-24 में स्टार्ट हुआ बट बीच में कुछ ऐसा था इसने कि रोक दिया, स्टार्ट हुआ 5 दिन निकाल दिए, फिर हुआ ऐसा जो कि रोक दिया, और वो टाइम पीरियड जब दोबारा काउंट होना स्टार्ट होगा जितने दिन तक वो रुका था वो टाइम पीरियड हम लोग यहाँ ला करके ऐड कर दें। चलो, सो सेक्शन 6(1), ये जो हम लोगों ने टाइमलाइन बनाई है, दिस इज सेक्शन 6(1). सिक्स वन में बोलता है कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम एनी डिसेबिलिटी, ओके, सो वो टाइम पीरियड जो है या पीरियड ऑफ लिमिटेशन हम लोग उस दिन से काउंट करना स्टार्ट करेंगे व्हेन द डिसेबिलिटी सीजेस। तो अपॉन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी अब हम लोग कह सकते हैं द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, ठीक है। बट व्हाट हैपेंस, ये इज 6 and 6(1). अब ऐसा भी हो सकता है कि अ पर्सन मे सफर फ्रॉम टू डिसेबिलिटीज, ए मे बी एंड माइनर एंड ही मे बी इनसेन, दोनों हो सकता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, व्हेन बोथ डिसेबिलिटीज सीज, मान लो कि ए के पास कॉज ऑफ एक्शन था और यहां पर ए वॉज अ माइनर एंड ही वॉज इनसेन, और ये रहा हमारा पीरियड ऑफ लिमिटेशन सपोज फॉर 1 ईयर, ठीक है। यहां जाकर के ए बिकम्स मेजर एंड यहां जाकर के ए बिकम्स सेन, तो ये कहां से, ये 6(2) है, ये 6(1) था, ये दिस इज सेक्शन 6(1), सॉरी ये नहीं, ये वाला 6(1) है, वन डिसेबिलिटी वाला गुरमुख, ये 6(1) है, ये 6(2) है, सफरिंग फ्रॉम टू डिसेबिलिटीज। तो जब बोथ डिसेबिलिटीज सीज हो जाएगी, मतलब मेजर हो गया तो एक डिसेबिलिटी तो सीज हो गई, दूसरी डिसेबिलिटी जब वो सेन हो गया तो इस दिन सीज हो गई। अब यहां से 1 ईयर का टाइम जो है काउंट होगा, 1 ईयर यहां से, तो दिस इज गोइंग टू बी द प्रेस्क्राइब पीरियड। तो 6(2) कहता है कि इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टू और मोर डिसेबिलिटीज, या फिर टू डिसेबिलिटीज की है, व्हेन बोथ डिसेबिलिटीज सीज,
तब आपका काउंटिंग जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, देन अब ऐसा भी हो सकता है कि क्या होगा, सपोज अगर ए गेट्स अ कॉज ऑफ एक्शन एंड लेट्स से ही इज अ माइनर, ठीक है, दिस इज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, सपोज दिस टाइम इज 1 ईयर। ठीक है, अब ए यहां पर 17 ईयर्स का है और इसी दिन ए मर जाता है। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या कहेंगे, ए अभी भी डिसेबल्ड है एंड द डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ दैट पर्सन। 6.3 में देखो, ठीक है, डिसेबिलिटी कंटिन्यूज अप टू द डेथ ऑफ द पर्सन। ठीक है, तो यहां पर राइट, यहां पर अरे बी कहाँ है सर, व्हाट इफ बी डाइड एट द एज ऑफ, एज ऑफ लीगल डिस, बी कौन है, कहाँ है बी इसमें, उन्होंने बी तो कहीं लिखा ही नहीं कुछ। ऋषभ मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा क्वेश्चन क्लैरिफाई करो। राइट, 6.3, ये हम लोग 6.3 कर रहे हैं, 6.3 कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ए जो है वो उसकी डिसेबिलिटी अभी सीज नहीं हुई थी और वो उससे पहले ही मर जाता है। तो क्वेश्चन ये होता है कि उसके एलआर के पास कितना टाइम है सूट फाइल करने के लिए। जिस दिन से वो मरा है वहां से 1 ईयर काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ए का एलआर अगर मान लो बी है, अब अच्छा, ठीक है ऋषभ, 1 मिनट, बी है, बी के पास कितना टाइम है, 1 ईयर फ्रॉम एज डेथ, ए की जब डेथ हुई है वहां से 1 ईयर का टाइम है बी के पास, बट ये तब जब बी खुद मेजर हो और खुद ही सेन हो। व्हाट इफ द एलआर, मान लो कि ए 17 था और जो बी उसका एलआर है वो उसका छोटा भाई है जो कि 14 का है। अगर मान लो बी 15 ईयर्स का है, ऑन द डे ए डाइज, अच्छा ठीक है, गलत नहीं बोला तुमने, 1 मिनट स्टेप बाय स्टेप समझा रहे दो। ठीक है, देखो, इट इज कंप्लीटली पॉसिबल कि अ पर्सन हु इज अ माइनर उसका एलआर भी एक माइनर हो। ठीक है, बड़ा भाई मर गया और छोटा भाई अभी 15 साल का है। इफ अ पर्सन जो एलआर है अगर ही हिमसेल्फ इज डिसेबल्ड, तो भी टाइम पीरियड तुरंत काउंट करना स्टार्ट नहीं करेंगे। जब तक इसकी डिसेबिलिटी नहीं सीज होगी वो टाइम पीरियड काउंट होना स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक इसको 18 का हो जाएगा बी, When B turns 18, उसके बाद उसे 1 ईयर का टाइम मिल जाए। यस, कुछ तो आया, कुछ तो याद है। अरे एक में भी यस नहीं आया, नहीं मुझे अभी भी याद आया कि हमारे साथ ही तो पढ़ा था, तो एक ही बैच में थे। लिमिटेशन था, मुझे याद है लिमिटेशन था। चलो अच्छा, चलो ठीक है, दिस इज सेक्शन 6.3। ठीक है, और अगर बी हिमसेल्फ माइनर हो देन दैट इज सेक्शन 6.4। ठीक है ऋषभ, तुम्हारे क्वेश्चन पे आ रहा हूं मैं, चलो नाउ सेक्शन 6.5। 6.5 क्या बताता है, अगर मान लो कि ए हैड अ कॉज ऑफ एक्शन बट ही वॉज अ माइनर 15 ईयर्स। देखो मैं बार बार एग्जाम्पल ले रहा हूँ माइनर्स का, लेकिन ये मत समझना कि सिर्फ माइनर के लिए है, सेन इडियट सबके लिए है। अब दिस वॉज द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर 1 ईयर, सपोज ए बिकम्स 18, डिसेबिलिटी सीजेस 18 ईयर्स, अब ए के पास कितना टाइम है, 1 ईयर, जब डिसेबिलिटी सीज हो गई तो जितना टाइम उसे मिलना चाहिए था उसे उतना टाइम मिल जाता है। ठीक है, दिस इज द प्रेस्क्राइब पीरियड। अब अगर मान लो कि यहां पर अभी 6 मंथ्स का टाइम हुआ था और यहीं पर ए डाइज, ठीक है, अब ए का जो एलआर है बी, बी
टी को कितना टाइम मिलेगा? 6 महीने। इसको ऐसा समझो कि बी को भी उतना ही टाइम मिलेगा जितना ए को मिलता अगर ए मरा नहीं होता तो। अगर ए नहीं मरा था तो कितना टाइम देगी पास? 6 मंथ्स। तो बी को भी कितना टाइम मिलेगा? 6 मंथ्स। यहाँ पर 6-5 में याद रखना, दिस इज सेक्शन 6-5। और अगर एक बार टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया है उसके बाद भी अगर यहाँ पर माइनर रहता है का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट? याद रखना कि बी जो है यहाँ पर माइनर है या मेजर है डजंट मैटर, बी के पास कितना टाइम है? 6 मंथ्स ही रहेगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये मत समझना कि 6 मंथ्स है। रजत को मैंने इसलिए रोक दिया कि 6 मंथ्स एग्जाम्पल में है। तुम लोग को समझना ये है कि कितना टाइम रहेगा ए के लार्ज के पास, जितना ए के पास रहता अगर वो मरा नहीं होता तो, ठीक है? नाउ अब यहाँ पर बी को हम लोग, अगर मान लो बी माइनर है तो भी उसे 6 मंथ्स मिलेगा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि अभी तो हम लोग देखे थोड़ी देर पहले कि बी को एग्जेम्पशन मिल जा रही है, राइट? लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता। क्यों क्यों नहीं मिलता है? सेम आ रहा है। अच्छा चलो भाई, तो 3 मंथ्स कर देते हैं, अभी भी सेम आ रहा है। नहीं, यही मैं कह रहा था कि देखो, हाँ एग्जैक्टली नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ कि अगर बी यहाँ पर माइनर हो तो उसे एग्जेम्पशन क्यों नहीं मिल रहा कि मुझे मेजर होने दीजिए फिर काउंटिंग स्टार्ट होगी। समझ में आ रही बात? क्योंकि सेक्शन 9 क्या कहता है, एक बार टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी या इनेबिलिटी इज नॉट गोइंग टू स्टॉप इट। देखो पढ़ो सेक्शन 9 का फर्स्ट पैरा क्या लिखा है, क्या यही देखो पढ़ो, फोन पे ओपन कर लो। ये देखो ये गेम खेल रहा है, यहाँ फोन ओपन करने के लिए कहा पीडीएफ के लिए, क्या खेल रहे थे? हाँ तुमने सच में मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना, एक तो बाल्टी जैसी बॉटल लेके आते हो तुम। गुरमुख तुम्हें याद है? इसकी पानी की बॉटल याद है बाल्टी जैसी? गुरमुख ने मुझे ध्यान दिलाया था उस पर। चलो ए 3:45 हो गए, नहीं 3:45 से मेरी दूसरी क्लास है, 6:05। हाँ क्योंकि अब 7 तो लंबा हो जाएगा, इनफैक्ट 9 भी लंबा हो जाएगा, क्योंकि 9 का फर्स्ट पार्ट तो हम लोगों ने कर लिया, एक बार अगर स्टार्ट हो गया तो खत्म नहीं होगा। हाँ प्रोवाइडेड, नहीं प्रोवाइडेड तो और लंबा है 9th का, अभी नहीं। हाँ डॉक्टर ना फेस शीट, कोई भी चीज़ जब खत्म हो जाती है तो, एस शीट का मतलब समथिंग कम्स टू एन एंड, जैसे अगर हम लोग कहें वर्ल्ड इज कमिंग टू एन एंड उसको हम लोग कहते हैं डॉक्टर ना फेस शीटोलॉजी। लैचेस को भी हम लोग कहते हैं ना कि वो डिले है, इस डिले होने के मतलब एंड होने के बाद डिले हो रहा है, यही चीज़ है, मतलब आपका टाइम पीरियड खत्म। हाँ हाँ डॉक्टर ना फेस शीट लग जाएगी इसमें, बिल्कुल लगेगी, सेक्शन 29 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ लेना, वहीं पर है, ठीक है। उसे बुलाओ क्या? हाँ सीपीसी है ना, तुम्हारे पास सीपीसी का रजिस्टर होगा ना तुम्हारा? नहीं मतलब है ना घर पे, हिना से बात करना, शायद से नोट्स चाहिए एक बार देना, ठीक है दे देना तुम्हारी राइटिंग। हाँ ये भी तो बात है, ठीक है तुम्हारे पास है, जस्ट गिव हर द नोट्स, ठीक है चलो चलो ठीक है आज। हाँ होंगी कपिल, जल्दी होंगी, वो शेड्यूल जो है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बट जल्दी होंगी सीपीसी की क्लासेस भी, जैसा होगा तुम लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक है चलो आज ये तक रखते हैं, थैंक यू एवरीवन। एविडेंस भी यही है क्या? ओके चलो ठीक है, थैंक यू एवरीवन।